इसमें गुजिया वाले बहुत ज्यादा खाते हैं। हाँ बहुत ज्यादा काली दफा जिंदगी में घर को। गाइस ये देखिए मंकी अंदर बैठ के मेकअप हो रहा है। ये सारी लड़कियों का लड़कियां मिनिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सीरत। तो आज गाइस मैं जा रही हूँ ट्रिप पे, वो भी इस्लामाबाद। तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कॉलेज की ट्रिप है। तो ऐसा है कि अभी मतलब हमने रात को, मेरा रात का सफर है इस्लामाबाद, हमने मतलब सारी रात सफर करना है और फिर सुबह हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद। तो अभी क्योंकि बजे हैं 9:30 का टाइम हो रहा है और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए। तो अभी मैं जाऊंगी और फिर हम लोग आगे से सफर करेंगे। गाइस तो अभी हम लोग कॉलेज में पहुंच चुके हैं और अभी हमारी ट्रिप नहीं गई, तो अभी जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारी ट्रिप चली गई है। और अभी हमारी बस जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे हमारी बस गई है। अभी हम कॉलेज में हैं। जी अक्षरा आप बोले। ओके मैं रिकमेंड करना चाहूँगी जल्दी जल्दी हम बस के पास पहुँच गए और हम एक्साइटेड हो रहे हैं। हम लोग गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई अभी, हम बैठे हैं यहाँ पे, हमने स्टे किया है पेट्रोल पंप पे और अब हम आगे जाएंगे। पता नहीं हम लोग कहाँ पे है, अभी नहीं हमें पता है ना गाइस। यस यस यू आर राइट। अभी हम लोग मियां जी रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे हैं। दिस इज आवर नाश्ता सारा हुआ, क्या कहते हैं इसको, जो भी है पराठा है, ये पराठा तो नहीं है, ये पराठा है। कितने की है? कितने की? 450 की? 400 पहन नहीं लिया। थोड़े से नीचे की तरफ करो थोड़ी सी। हाँ ऐसे वाओ प्यारी लग रही है। बैठ के मेकअप हो रहा है। ये सारी लड़कियों का, लड़कियां मस्जिद में भी नहीं बाज आती मेकअप करने से। यहाँ पे रेडी शेडी हो रही है लड़कियां सारी। सो गाइस अभी हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं फैसल मॉस्क में और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती से तो आप सारे ही वाकिफ होंगे कितनी ज़्यादा कोई प्यारी है। और इसके सभी पर मैं ये कैप पहनूंगी, कैप हाँ, कैप। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं इससे पहले काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि ट्रैवल करना था तो इतना ज़्यादा नहीं से तैयार हुए। तो अभी थोड़ा सा तैयार हो चुके हैं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी फैसल मॉस्क किस तरह की है। तो वहाँ से नीचे भी कोई सीढ़ियाँ जाती है लेकिन मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि रिस्क हो सकता है। और यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे पेड़ हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। अभी तक हमने बस पिक्स बनाई और कुछ भी नहीं क्योंकि अंदर मस्जिद के अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो इसे हम अंदर नहीं गए और हम बस बाहर ही पिक्स बना लूँ कि अब हम जाएंगे सेकेंड डेस्टिनेशन। Just looking like a wow, so beautiful, so elegant. Just looking like a wow, so मैं अंदर बोलना चाहिए था ना। चल 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 गाइस ये देखिए मंकी, आजा आजा। सीरत डर रही। फेंक दो। इतना तो सिरत किसी को ना दे जितना मंकी के आगे। तो ऐसा ये अभी हमें चिल्ड्रन प्लेलैंड में लेके आ गए। हमें तो अगर कहीं और अच्छी सी जगह ले जाएंगे लेकिन ये अभी हमें चिल्ड्रन प्लेलैंड में लेके आए हैं। और अब हम इधर बच्चों की भी ट्रिप आई, इधर बच्चे जा रहे आ रहे हैं और अब हमें पता नहीं है हमारा क्या। और ये चिल्ड्रन प्ले लैंड में क्यों लेके आए हैं, ये जब देख सकते हैं इधर चिल्ड्रन ही है, निके बच्चे हैं और हमें कोई बड़ा बच्चा भी नहीं नजर आ रहा।
हाँ ये देखें हमें, ये लोग निके निके समझते हैं अभी भी। भाई सर मुझे देखने ना, सर मेरी बातें ना सुन ले बस। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। बस ये है कि इस पार्क में कुछ है नहीं, बस शायद लेकिन इधर क्यों लेके आए हैं? दफा जो दफा में कहा तो बड़ी बदतमीज है। अभी इधर भी इसी पिक्स बना नहीं है, अब इधर इसकी पिक्स बनेगी फिर मेरी पिक्स बनेगी, बस हमारा यही काम है और हमें कोई काम नहीं है पिक्स बनाने के अलावा। अब ये आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके हम पार्क में हम आए हैं झूले लेने के लिए, निके निके झूले, हम तो इसमें पूरे भी नहीं आएंगे। अभी निके निके झूले अरे कोई नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इन बच्चों से पूछते हैं ये कौन से स्कूल से है, आप लोग कौन से स्कूल से आए हो? कौन से? सदीक। किधर है ये स्कूल? सिक्स रोड पे। ये सिक्स रोड किधर है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में पिंडी से आए हो? हम तो इतनी दूर से आए हैं, बताओ किधर से आए हैं? गुजरावाला से आए। गए हो गुजरावाला? गुजरावाला गए हो कभी? गुजरावाला गए हो कोई बच्चा? गए हो? हाँ बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन मेरे सेहत से लगता है मैं खाती हूँ ना, नहीं ना लगता। 50 दफा मैं पहली दफा जिंदगी में घोड़े को हाथ लगा रही हूँ। अब भी घोड़े को हाथ ही लगाया, बस ये कि वैसे बैठने का शौक है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आज पहली दफा क्योंकि मैं घोड़े में ही बैठ गई, मुझे इस जगह पे आने का बस एक फायदा है कि मैं घोड़े में बैठ गई हूँ और काफी से मैं खुश हूँ। तो आपने वीडियो में देखा कि बस मेरा ख्वाब था कि मैं एक दफ़ा मतलब घोड़े में बैठूँ। मैं पिछली दफ़ा मुझे मौका मिला था कि एक दफ़ा, लेकिन तब मैं डर गई थी, मैं नहीं थी बैठी, लेकिन इस बार मैंने कहा मैंने करके ही छोड़ना, मैंने बैठना ही बैठना, तो मैं बैठ गई आज घोड़े पे। हाय हाय